मैडम आपका टेलीग्राम। साहित्य अकादमी की तरफ से मुबारकबाद। इस साल हिंदी साहित्य पुरस्कार के लिए आपको चुना गया है। आपकी किताबों में पसंद की गई नॉवल का नाम है पिघलता आसमान। यह है मेरी मोहसिन आरती, जिसकी जिंदगी एक कश्मकश बन गई थी। इसके जीवन में सारी आसाइश और सारा आराम था, मगर शादी नाम का सुख नहीं था, क्योंकि ये अपने बाप की तरह हर रिश्ते को अपने से छोटा समझती थी। दिन तो जो तो गुजर जाते थे, मगर रातें पहाड़ बनकर पल पर इस पर टूटती थी। मैं आरती के साथ उसके महल में ही रहती थी। मैं उसकी सेक्रेटरी थी, सहेली और राजदार भी। मेरी अपनी जिंदगी भी एक कश्मकश बनकर रह गई थी, जिसने मुझे लिखना सिखा दिया था। मैं जब भी तन्हा होती, यादों के मोती चुन चुन कर माला पिरोने लगती थी। हेलो, क्या कर रही मैम? नींद नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे गपशप कर लूं। 100 से 1 तक उल्टा गिनना शुरू कर दो, नींद आ जाएगी। मगर तुम क्या कर रही हो? मैं बस यूं ही किताब लिख रही हूँ। किताब? हाँ, आज ही से शुरुआत की है। आप भी तो लिख रही हो या जग भी थी? बस एक अधूरी कहानी है, जिसका अंजाम मुझे मालूम नहीं। नाम क्या रखा है किताब का? पिघलता आसमान। बंसी अनु तैयार है? जी मैम साहब, वो आधे घंटे से नीचे आपका इंतजार कर रही है। सुकुमौसी की तबीयत कैसी है? वो बहुत दुखी है, डॉक्टर ने सीढ़ियाँ चढ़ने से मना कर दिया है। मौसी तुम काम करना बंद कर दो। और डॉक्टर ने कहा है
बातें भी कम और खाना भी कम। चुप, झूठ बोलेगा तो अगले जन्म में गूंगा पैदा होगा। आरती बेटी, डॉक्टर मुझे ऊपर नहीं जाने देता और नीचे तो मुझे बात करने का मौका नहीं देती। क्या चाहिए तुम्हें? अब तो शादी कर ले बेटी, शादी के बिना औरत की जिंदगी आधी रह जाती है और तेरी तो आधी से भी अधूरी है। मौसी, जिंदगी शादी के बाद भी अधूरी रह सकती है अगर पति बेवफा निकला तो। चल, बेवफा क्यों निकलेगा, क्या कमी है तुझमें? यही तो गम है कि मुझमें कोई कमी नहीं। चलो अनु। तुम चाहती थी ना कि कश्मीर वाला फ्रूट जूस और जैम का कारखाना बेच डाले? हाँ, मैं चाहती हूँ यही दिल्ली में कोई और कारखाना खरीद ले। अब तो दिल्ली ही वतन बन गया है। मगर बाहर के मुल्कों ने फ्रूट जूस और जैम की सप्लाई के लिए हमारे टेंडर कबूल कर लिए हैं। कारखाना बेचना तो दूर की बात हुई, अब हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कारखाना फैलाना होगा। तुम वहां के मैनेजर से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रिपोर्ट मंगवाओ। शायद कश्मीर मुझे छोड़ना नहीं चाहता। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग तिवारी जी, सारे कंपनियों की सालाना रिपोर्ट तैयार किया आपने? जी हाँ, ये रही। अनुराधा को दे दीजिए, ये हमें सुना देगी। मैडम, इस साल हमारा नफा 10% ज्यादा हुआ है। फिर तो हम बोनस भी 10% ज्यादा देंगे। मैडम, पिछले साल आपका मिजाज नासाज रहा, इसलिए आपने जलसे में भी हिस्सा नहीं लिया। इस साल हमारी ख्वाहिश है कि आप गाने का प्रोग्राम दें। मैं बिजनेस करती हूँ और बिजनेस में मुकाबला हो तो मजा आता है। अगर स्टाफ में से किसी को गाना आता हो तो मुकाबला रखिए, मैं जरूर हिस्सा लूंगी। मैं पता कर लूंगा। थैंक यू मैडम। मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगी। अन्नू, तुम्हें गाना आता है? इतना कि मुकाबला कर सकती हूँ। मुकाबला? मुझसे मुकाबला करोगे तो हार जाओगी। मुझे हार पसंद नहीं। तुम्हें हार पसंद नहीं और मैं हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। अन्नू, अन्नू, आरती, तुम? नींद नहीं आ रही थी, तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी इसलिए चली आई। नींद ना आने के दो कारण होते हैं, एक तो सोचता हुआ दिमाग और दूसरा तन्हाई का एहसास, और तीसरा किसी की याद, जिसके लिए तुम किताब लिख रही हो, है ना? अन्नु, आज मैं तुम्हारी अधूरी कहानी सुनना चाहती हूँ। आज नहीं, जब कहानी दो राहें पे आएगी तब सुनाऊंगी। अन्नु, मेरी जिंदगी तो एक चटिल मैदान है, न रास्ता है न दो राह, बस चली जा रही हूँ। मौसी सच कहती है कि शादी के बिना औरत की जिंदगी आधी अधूरी रह जाती है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं जानती हूँ, शादी कभी जरूरत बनकर मुझे उकसाती है तो कभी जरूरत बनकर मुझे डराती है। पिताजी तो मेरे लिए रिश्ते चुनते चुनते चल बसे, और मैं अपने होने वाले पति के बारे में सोचते सोचते थक गई हूँ। अन्नु, मैं उस आदमी से शादी करना चाहती हूँ जो सिर्फ मेरे लिए पैदा किया गया हो और जो सिर्फ मुझसे प्यार करे, और फिर सोचती हूँ ये नामुमकिन है। मगर तुम इतना ज्यादा सोचती क्यों हो? इसलिए कि दौलत मत को बिगाड़ देती है, और मैं डरती हूँ कि कहीं मेरी दौलत मेरी सौतन न बन जाए। मगर सारे मर्द ऐसे नहीं होते। सारे नहीं तो अक्सर ऐसे होते हैं, और मैं मर्द की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी हार होगी। मर्द की वफा की जड़ें औरत के प्यार के मीठे पानी से फैलती और बढ़ती हैं। इधर औरत का प्यार सूख जाएगा, उधर मर्द की वफा भी सूख जाएगी। तुम नहीं जानती अन्नू, मर्द को हमेशा दूसरी औरत ज्यादा दिलचस्प दिखा देती है, इसलिए आज के दौर में जिंदगी शादी से पहले अधूरी रहती है तो शादी के बाद भी अधूरी बन जाती है। फिर तो हो चुकी शादी तुम्हारी, मगर याद रखना, किसी दिन किसी से इश्क हो जाए तो
तो सारी शर्तें भूल जाओगी। इश्क करेगी मेरी जूती। मैं तो इश्क के घोड़े को घास भी नहीं डालूंगी। कभी हमसे कभी तुमसे शरारत हो ही जाती है, जवानी जब भी आती है मोहब्बत हो ही जाती है। जब ये दिल हो जवान ये शरारत तो होगी, चाहे रोके जमाना मोहब्बत तो होगी। हो कैसे दिल है ये इस उम्र में जो शरारत ये दिल की किसे रास आई, मोहब्बत की आदत है बस बेवफाई। ओ मरते होंगे मरने वाले, हम तो मरते नहीं, हम तो मरते।
अन्नु, इस कप के सही हकदार तुम हो। मैं जानती हूँ तुमने मुझे जानबूझकर जिताया है। नहीं तो वो जीत तुम्हारी ही थी। झूठ मत बोलो, तुमने मेरा दिल रखने के लिए ऐसा किया है। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो अपने हक की हिफाजत नहीं कर सकते। जो अपना हक छोड़ देते हैं वो बहादुर भी तो होते हैं। नहीं, मैं उन्हें बुजदिल समझती हूँ। समझो, तुम्हारा और मेरा प्यार एक ही मर्द से हो जाए तो तुम क्या इस तरह मैदान छोड़कर भाग जाओगी? बाय गॉड, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा मजा आएगा। बहुत चालाक हो, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उस वक्त मैं भी तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। खुदगर्ज कहेंगे। हमारे कश्मीर वाले मैनेजर ने लिखा है कि कारखाना फैलाने के लिए उसके बाजू वाली जमीन लेना बहुत जरूरी है। वो जमीन किसी प्रकाश अरोड़ा की है और 25 साल पहले आपके पिताजी के पास रहन रखी हुई थी। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अब हम उस जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। प्रकाश अरोड़ा कौन है? प्रकाश अरोड़ा तेरे बाप का जिगरी दोस्त था। दोनों में खूब गाढ़ी छंती थी और दोनों की शादी भी एक ही दिन हुई थी। इत्तेफाक से दोनों के एक ही दिन एक ही समय औलाद भी हुई थी। लाला, मुबारक हो। तेरी बेटी हुई है। बेटी ही, लोग कहते हैं बेटी रोटी लाती है। जा लाला, तेरे तो भाग खुल गए। प्रकाश, तुझे भी बधाई हो, तेरे लड़का हुआ है लड़का, सूरज की तरह चमकने वाला। लाला जी कौन है? मैं हूँ जी, मैं। लाला जी, आपकी पत्नी का देहांत हो गया। लाला, लाला, बैठ। लाला, हिम्मत से काम ले। कौन सी हिम्मत? कैसी हिम्मत? प्रकाश, अरे लाला तू, मैं तेरे बारे में ही सोचा था। लाइए, मुझे दीजिए। आजा आजा, आप बैठ। अरे कितनी प्यारी। ला मुझे दे। सुकू तू बाद में लेना, पहले लाला जी के लिए चाय बना ला। अच्छी बात है, लो कप। लाले, मेरी मान और अब दूसरी शादी कर ही डाल। नहीं प्रकाश, शादी का मजा तो सिर्फ एक बार आता है। बार बार शादी करने से ऐसा लगता है जैसे पूरी जिंदगी किराए के बदलते घरों में कट गई। तो फिर मत कर शादी, अगर ताजमहल बनाने का शौक है तुझे। ताजमहल तो नहीं बना सकूंगा, हाँ एक आसमान महल जरूर बनाऊंगा जिसमें मेरी बच्ची आरती के लिए जिंदगी की सारी आसाइश और सारा आराम होगा। अरे अकल के दुश्मन, तू आसमान महल जब बनाएगा तब बनाएगा, तब तक आरती की देखभाल कौन करेगा? इसीलिए तो तेरे पास आया हूं। मतलब? अब मेरा दिल्ली आना जाना ज्यादा हो गया है। तू तो जानता है मेरी नौकरानी बूढ़ी भी और बहरी भी। हाँ। इसलिए हमेशा आरती की चिंता रहती है। तू सूरज के साथ साथ आरती की भी परवरिश कर। हाँ हाँ, और तुझे अलाउद्दीन का चिराग मिल गया तो तू आरती को लेकर उड़ जाएगा। ये ले। लाला, मैं ख्वाब देख रहा हूं, दुनिया हमारी दोस्ती की तारीख लिखेगी। जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तू मेरे सूरज की बारात लेकर मेरे घर आएगा और मैं तेरी आरती को दुल्हन बनाकर विदा करूंगा। और लाला जी, मैं आरती बिटिया के दहेज में साथ जाऊंगी, भूलिएगा नहीं। फिर चंद साल बाद तेरे बाप को सचमुच अलाउद्दीन का चिराग मिल गया और वो प्रकाश के घर आया।
कहाँ हो तुम लोग? अभी पकड़ता हूँ, अभी 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 अभी। अरे लाला, तू चोर बन गया, तू कब आया? आजा 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 बैठ। प्रकाश, मैंने दिल्ली में एक और कारखाना खरीद लिया है, अब वहीं रहने का इरादा है। जाओ बच्चों, तुम्हारी मां से कहो कि लाला जी आए हैं, चाय होकर का इंतजाम करें। जाओ लाला, तू कश्मीर छोड़कर दिल्ली जाएगा? हाँ, मैं आरती को लेने आया। आरती को लेने आया? लेकिन तूने तो वादा किया था कि तू सूरज की बारात लेकर आएगा और आरती को ले जाएगा। प्रकाश, वो वादा नहीं है, ख्वाब था जो तूने देखा था। आरती मेरी बेटी है और मैं उसे किसी भी वक्त ले जा सकता हूँ। हाँ, वो तो ठीक है लाला, आरती की परवरिश की भीख मैंने तुझसे नहीं मांगी थी, तू उसे छोड़ गया था मेरे पास। प्यार तो जानवर से भी पालते पालते हो जाता है, अब मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, खुद ये मासूम बच्ची दुखी हो जाएगी। लाला, इस वक्त आरती को तेरी दौलत की नहीं, प्यार और ममता की जरूरत है। वो सब मैं अपनी दौलत से खरीद लूंगा, मैंने इतनी दौलत कमाई है तो सिर्फ आरती के लिए, और मैं नहीं चाहता कि वो तेरे साथ गरीबी में पले। तू मुझे गरीब समझता है लाला? नजरें क्यों छिपा रहा है? अरे वो दौलत किस काम की जो अपनों से नजरें मिलाने नहीं देती। प्रकाश, तेरे और मेरे दरमियान बहुत फासला और फर्क आ गया है, तू दरिया के किनारे की तरह वहीं ठहरा हुआ है और मैं बहती धारा की तरह बहुत आगे निकल चुका हूं। निकल जा, और भी आगे निकल जा, बहुत देखे हैं बदलते वक्त के साथ बदलने वाले तुझ जैसे दोस्त। तुम बात बात पर बारूद की तरह भड़क उठते हो। भैया, आरती हमारे साथ इतनी घुल मिल गई है कि वो अकेले खुश नहीं रह पाएगी, वैसे भी इसे अपनी माँ की बीमारी की शिकायत है, जब ये बेचैन होती है इसे बुखार आ जाता है। भाभी, इसकी माँ इसलिए मर गई थी कि मेरे पास पैसा नहीं था, अब आरती का इलाज मैं बड़े से बड़े डॉक्टर से करवा सकता हूँ। मगर बस कर करुणा, हम एहसान करते हैं, किसी से बिनती नहीं। जा लाला, ले जा इसे, तेरे जैसा दोस्त जाते ही भला, मगर एक बात याद रखना, मैं तुझे हीरा समझता था मगर तू कोयला निकला, जो जलता है तो हाथ जला देता है और ठंडा होता है तो हाथ गंदा कर देता है। मम्मी, बच्ची सुकु, तू जा आरती के साथ, तू उसके साथ रहेगी तो ये हमें भुला पाएगी। लेकिन मैं कैसे? जाना, तेरे कपड़े मैं बाद में भिजवा दूंगी। प्रकाश ने तेरे बाप के बुरे दिनों में बहुत मदद की थी, लेकिन तेरे बाप ने कोई लिहाज नहीं रखा। और कुदरत ने तेरे बाप की दौलत का कोई लिहाज नहीं रखा, दिल्ली पहुंचते ही तुम्हें वही दौरा पड़ा। लाला जी ने अपनी दौलत के बलबूते पर बड़े से बड़े डॉक्टरों को बुलाया, मगर न डॉक्टर कुछ कर सके और न ही रुपया। प्रकाश के घर से आने के बाद जब भी तुझे बहुत ज्यादा खुशी या गम होता है तो तुझे वही बुखार आ जाता है। मौसी, प्रकाश चाचा क्या अभी तक कश्मीर नहीं है? हमारे दिल्ली आने के बाद उसने दिल का रोग लगा लिया था, बेचारा एक साल बाद चल बसा।
बंसी जी, अन्नू को बुला लो। जी मिल साहब। सुना है प्रकाश का बेटा सूरज पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाया है। अन्नू, मैं बुधवार कश्मीर जा रही हूँ। तुम वहां के मैनेजर से फोन पर कहो कि जमीन के बारे में प्रकाश जी के बेटे को नोटिस दें और वो हमसे मिले। पोस्ट। किसकी चिट्ठी है? चिट्ठी नहीं है माँ, नोटिस है। लाला करण सिंह की बेटी आरती ने दिया है। वाह, इसके बाप ने जो हमारे साथ किया था वो तो किया ही था, अब इसे क्या लेना है हमसे? लिखा है कि उसकी फैक्ट्री के बाजू वाली जमीन पिताजी ने उसके बाप के पास गिरवी रखी थी। क्या? मैं तो समझती थी कि उन्होंने वो बेच डाली थी। खैर, तुम किसी तरह भी इंतजाम करके वो जमीन छुड़वा लो, तुम्हारे पिताजी की रूह को भी खुशी मिलेगी। 50,000 असल का, उसने 1.5 लाख सूद बताया। हाय राम, इतना ब्याज खाएगी तो फूट फूट कर निकलेगा। बाप तो बाप, बेटी भी वैसी निकली। इसीलिए तो उससे कहा था कि कोई अच्छी सी नौकरी कर ले, 4 पैसे भी जुड़ जाते और जीजान का आराम भी रहता। वरना इतना सारा पैसा खर्च करके इंजीनियर की पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी, अगर दुकान और वर्कशॉप ही खोलनी थी तूने। माँ, लोन की कोशिश तो कर रहा हूँ गवर्नमेंट से। पैसे मिल गए तो एक बहुत बड़ा टीवी का कारखाना खोलूंगा, जमीन भी छुड़ा लूंगा और तेरे लिए पैर दबाने वाली एक बहू भी ले आऊंगा। चल झूठा कहीं का, जब देखो माँ को दूरदर्शन कराता और सपने दिखाता है। कारखाना खोलूंगा, बहू ले आऊंगा, जैसे ये सब देखने के लिए मैं 50 साल और जिंदा रहूंगी। माँ, तू तो पोता देखेगी और परपोता भी। रहने दे, पोता तो दिखाता नहीं, परपोते की बातें करता है। परपोते के सपने अपनी बीवी को दिखाना। क्या है? अरे चुप मेम साहब की तुम। मेम साहब आपको गाली दे रहे हैं। क्या पीलिया हो गया जो काला चश्मा लगा रखा है? दरवाजा खोलिए और बाहर आइए। नहीं खोलूंगी, मेरा कोई कसूर नहीं। मैं कसूर की नहीं, आपके गुरूर की बात कर रहा हूँ। आपके बात करने का तरीका कौन सा अच्छा है? मैं अपने तरीके की नहीं, आपके सलीके की बात कर रहा हूँ। आप बाहर आइए और माफी मांगिए। आप थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाइए अगर कोई गिला है। मैं गिले की नहीं, बदले की बात कर रहा हूँ। क्या कर लेंगे आप? मैं आपका जुलूस निकालूंगा बैंड बाजे के साथ। जिस शहर का नजारा आप करने आई हैं, उसी शहर वालों को आपका नजारा करवाऊंगा। हम धुलाई कर देंगे। किसकी? इसकी या इसके कोर्ट की? मेम साहब तेरी। हम माफी चाहते हैं, आप कोर्ट दे दीजिए। अजी रहने दीजिए, हम गलती मानने वालों के साथ गुस्सा नहीं प्यार करते हैं। चलिए हम माफ किए देते हैं। आप भी क्या याद रखेंगे किस दिलवाले के साथ आपकी मुलाकात हुई थी? आप कश्मीर सैर करने आई हैं क्या? हाँ। कश्मीर 2 चीजों के लिए मशहूर है, एक तो गाड़ियों के हाथ से और दूसरा दिलों के हाथ से। दिल बचा कर सैर कीजिएगा। ट्रांसफॉर्मर से आग के शोले निकले, ट्रांसफॉर्मर जल गया। तुम्हें शिकायत किसी में आता क्या है? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम हर महीना चेक कराते तो आज ही नौबत नहीं आती। मैडम, मैं 4 दिन के अंदर अंदर चंडीगढ़ से नया ट्रांसफार्मर लेकर आऊंगा। जब तक सारे फल सड़गल नहीं जाएंगे, तुम जानते हो हमारे स्टॉक का कितना नुकसान होगा? तुम लोगों को तो प्यास लगने के बाद कुआं खोदने की आदत पड़ गई है। मैडम, मशीन चालू हो गई, ट्रांसफार्मर ठीक हो गया। ट्रांसफॉर्मर ठीक कैसे हो गया? मैं बताता हूँ कैसे हो गया। तुम? हाँ,
वही मैं। बात यह कि आपके ट्रांसफार्मर में छिपकली घुस गई थी जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो गया था। अच्छा तुम जाओ अपना काम देखो, और सुनो प्रकाश जी के लड़के सूरज आए, तुम्हें कह देना हमारे गेस्ट हाउस में मिले। जी मैडम। हाँ तो तुम्हारा नाम क्या है? क्या आपका नाम आरती देवी है? हम हमारे नाम की नहीं तुम्हारे नाम की बात कर रहे हैं। मेरा नाम बादल है। क्या आपके पिता का नाम लाला करण सिंह राठौड़ है? हम हमारे पिता के नाम के नहीं तुम्हारे काम की बात कर रहे हैं। क्या काम करते हो? मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, हर किस्म की मशीन मरम्मत करता हूँ, और खासकर टीवी के काम में तो मेरा जवाब नहीं। क्या आप दिल्ली से आ रही? हम दिल्ली के नहीं तुम्हारी नौकरी की बात कर रहे हैं। हमारे पास नौकरी करोगे? अगर आपके पूछने का तरीका कुछ प्यारा कुछ मीठा, मेरा मतलब है कुछ इसी तरह का होता तो शायद मैं एक बार सोच भी लेता। सुबह तुम्हारा तरीका कौन सा प्यारा था? तुमने तो हमारे साथ बदतमीजी की थी। मैं आपको जानता नहीं था। तुमने हमें मगरूर कहा था। मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तुमने हमें बदसलीका का कहा था। आप तो ज्यादती कर रही हैं। तुमने हमसे बदला लेने की धमकी दी थी। आप तो राय का पहाड़ बना रही हैं। तुमने हमसे माफी भी तलब की थी। उसकी माफी चाहता हूँ, मगर वो सब बातें हमें अच्छी नहीं लगी। कोई है अंदर? कोई हो न हो, मैं तो हूँ। अरे सरदार जी आप? सूरज किथे? वो तो बाहर निकला हुआ है। ओहो मैं ओ सूरज दे बारे च नहीं ऐ सूरज दे बारे पूछ रहा। ओहो इस सूरज के बारे में? वो क्या है कि जब बादल आता है तो सूरज छुप जाता है। फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने तेनु साफ साफ कह दिया इसे हाथ मत लगाना। जब भी कोई प्रोग्राम देखता हूँ स्क्रीन पर लकीर ही लकीरें दिखती हैं। टीवी का बिल कर। ओहो आप चिल्लाइए मत, गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। साफ बात तो ये है कि टीवी और बीवी में कोई फर्क नहीं होता। पता नहीं कब मूड खराब हो जाए और कब बिगड़ जाए। मैं अभी ठीक किया देता हूँ। लाइक तू इन हाथ नहीं लगाना। सूरज नु कहो खुद इसनु देखे। सूरज हाँ। बिगाड़ लीजिए अपना टीवी, आप ही का टीवी है आप ही का पैसा। सरदार जी मैं आपको राज की बात बता रहा हूँ, काम मैं ही करता हूँ, नाम सूरज का होता है, मेरे बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या करूँ, दोस्ती की है निभाए जा रहा हूँ। वो घड़ियाल है तो मैं लटकन, वो दिल है तो मैं धड़कन, वो दूध है तो मैं मक्खन। वो ऐसे ही लगा। हम सूरज को एक मौका और देना चाहते हैं। आप सूरज को बुलवा भेजिए। मगर मैडम हमारे वकील ने कहा है कि उसने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए बातचीत की जरूरत नहीं है। हम कानूनन जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। ये तो हम भी जानते हैं। वकील से कहिए सूरज को लेकर हमारे पास आए। मैडम वकील साहब ने कहा है कि सूरज आपसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सुना है बहुत ही घमंडी आदमी है। तुम जानते हो उन्हें? जी नहीं। तुम जा सकते हो। चलो मेरे साहब ये देखो। तुम? हाँ वही मैं और वही आप। तुम घोड़े भी चलाते हो क्या? हाँ और जो घोड़े बेकाबू होते हैं उन्हें काबू में भी लाता हूँ। बंसी? जी मैम साहब। सुना है आप सूरज से मिलना चाहती हैं? तुम सूरज को जानते हो? अच्छी तरह। कहाँ रहते हैं वो? डालगेट रोड पे जो आइसक्रीम की दुकान है उसके पीछे। मैम साहब तू घर जा, दिल्ली से फोन आया तो कहना हमें लौटने में देर लगेगी। जी। ए मेम साहब का ख्याल रखना, अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं घर पर हूँ। अबे जरूरत के बच्चे। हाँ
मैं उसका दोस्त हूँ। एक साथ बड़े हुए, वो मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता और ना ही मैं उसके बिना। बस यूं समझ लीजिए, मैं शरीर हूँ, वो मेरी आत्मा। तुम्हारे दोस्त कहाँ तक पढ़े हैं? मेरी तरह इंजीनियरिंग पास। नौकरी करते होंगे शायद? नहीं, उसे नौकरी पसंद नहीं। अच्छा, तो फिर बीवी पैसे वाली मिली होगी, उसी की रोटियां तोड़ते होंगे। हाँ, उसने शादी नहीं की। क्यों? एक बार उसने कहा था बचपन में किसी लड़की से उसकी शादी तय हुई। और फिर? फिर उसके बाप ने उस लड़की को रुपयों के ढेर में छिपा दिया और वो लड़की फिर कभी बाहर ना आ सकी। मैं दूंगी। मैं जानता हूँ आप दे सकती हैं, मगर मगर क्या? आइंदा मेरे सामने अपनी झोली में हाथ मत डालिएगा। तुम्हारे दोस्त भी तुम जैसे हैं क्या? बिल्कुल। सुना है तुम्हारे दोस्त बहुत घमंडी है। हाँ, उसे अपनी खुददारी पर बहुत घमंड है। उसने कहा कि आपको भी अपनी दौलत और हुस्न पर बहुत गुरूर। उन्होंने गलत सुना है, मैं अंदर से ऐसी नहीं हूँ। कारोबारी जिम्मेदारियों ने मुझे ऐसा कर दिया है। हुकुम गुरूर के बल पर ही चलता है। अगर मैं मिलनसार रही तो हर कोई मुझसे फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो आप कारोबारी दाव पेच इस्तेमाल करती हैं? नहीं, सबके साथ नहीं, सिर्फ ठेठ कारोबार करने वालों से। तुम किसी दिन मुझे तुम्हारे दोस्त से मिला क्यों नहीं देते? वो मिलना नहीं चाहता। क्यों? इसलिए कि ना वो आपके 2 लाख रुपए दे सकता है और ना आप उसकी जमीन पर कब्जा छोड़ सकती हैं। हो सकता है मैं उन्हें सूद माफ कर दूं। वो आपका एहसान लेना नहीं चाहता। इसमें उन्हीं का नुकसान है। वो कहता है कि नुकसान सहा जा सकता है लेकिन एहसान का बोझ उठाया नहीं जा सकता। आरती मिली थी क्या? हाँ? आरती मिली थी क्या? हाँ मिली थी। क्या कहा उसने? कहती है अगर मैं सूद माफ करने को कहूं तो माफ कर देगी। उसकी ये बजाल, भला हम क्यों माफ करने को कहेंगे? छोड़ दो वो जमीन, हमें नहीं चाहिए। तुम्हारे पिताजी के कितने एहसान हैं उन पर, मैंने पाला पोसा और कभी ये बात हमने जबान पर नहीं लाई। एहसान फरामोश, कश्मीर आई है और मुझसे मिलने भी नहीं आई। तुमने खाना बहुत कम कर दिया है, क्या हो गया तुम्हें? इसका मतलब है खाना या तो होटल में खाकर आया होगा या किसी की मोहब्बत से पेट भर लिया होगा। अरे! ए बंसी, जी मैम साहब, आइसक्रीम खाएगा? जी मैम साहब। तो ये ले, डलगेट वाली दुकान से लिया। अभी लाया। और सुन, उस दुकान से ये भी पूछना सूरज बाबू का मकान कौन सा है। पूछूंगा। आपके लिए भी आइसक्रीम लाऊं मैम साहब? हाँ, इसमें जितनी भी है लिया, मगर सूरज बाबू का मकान खुद देख कर आना। जरूर मैम साहब। अरे सुन तो सही, अगर किसी ने पूछा तो ये मत बताना कि मैंने पता करने के लिए भेजा है। ठीक है, मगर आप आइसक्रीम तो खाएंगे ना? ओह, मैं आइसक्रीम भी खाऊंगी और तेरा सर भी। तुझे याद है ना जो कहा है? हाँ याद है, इसमें जितनी भी आइसक्रीम है ले आऊंगा। मिर्जा, 10 रुपए की 5 आइसक्रीम लाया हूँ, उसने कहा 4 दूंगा, मैंने कहा नहीं 5 चाहिए। तूने सूरज बाबू के मकान का पता किया? अरे मिर्जा मैं तो भूल ही गया, मैं अभी पूछ कर आता हूँ। बुड्ढू कहीं का, इतनी सी बात भी याद नहीं रखी। मैं यूँ गया और यूँ आया। मैं सब ये आइसक्रीम रखा फिर पास और जी भर के खा। कौन चाहिए आपको? मैं माजी से मिलना चाहती हूँ। माजी एक रिश्तेदार के वहाँ शादी में गई है। क्या मैं उनका इंतजार कर सकती हूँ? हाँ आइए ना, आइए। बड़ी मुश्किल से इतवार की शाम आती है और ये सत्यानाश करने आई है। बैठिए ना, बैठिए। बैठिए ना। नहीं, मैं यूं ही ठीक हूँ। यूं ही क्या? मेजबान के खड़े रहने का मतलब होता है मेहमान को टालना।
नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं। ठीक है, बैठ जाता हूं। मुझे आरती देवी कहते हैं। आरती देवी? आरती देवी? ओ, आरती देवी। कहीं आप मुझसे नाराज तो नहीं? नाराज? जी नहीं, दरअसल गुस्सा यूं आता है और यूं उतर भी जाता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके लिए चाय बनाऊं। मेरे लिए? मेरे लिए भी? नहीं, मैं बनवाता हूँ। राम दुलारी, दो चाय बनाना। बहुत अच्छी तस्वीर है, किसने बनाई है? इस आर्टिस्ट ने सिर्फ 3 तस्वीरें बनाई। एक बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में है, एक सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है, और तीसरी ये है। इसको पूरी करके वो मर गया, बहुत ऊंचा चढ़ा था ना बनाने तस्वीर। अच्छा। आप तस्वीर देखिए, मैं अभी आता हूँ। जी। कहाँ मर गई थी तुम? घर में मेहमान आए हुए हैं, जल्दी से चाय बनाओ। ओहो राम दुलारी, तुम तो ऐसे काम कर रही हो जैसे हाथों में मेहंदी लगाई हुई हो। शक्कर कितनी चम्मच डालूं साहब? ओहो राम दुलारी, तुम तो शक्कर से ऐसे डरती हो जैसे इब्राहिम लोदी बाबर की तुम से डरता था। दो चम्मच डालो। अच्छा साहब। जाओ हॉल में ले जाओ। साहब आप ही ले जाइए ना, हमका यहाँ भी बहुत काम है। ओहो अच्छा बाबा, लाओ मैं ही ले जाता हूं। तुम लोग नौकर बन के आते हो और मालिक बन बैठते हो। लीजिए। आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। जी, आज सुबह ही मैंने उसको दिल्ली भेजा है क्योंकि मेरा इरादा टीवी का कारखाना खोलने का है। आपकी बहुत तारीफ करते हैं। बेवकूफ कहीं का, मैंने उसे कितनी बार कहा कि मेरी तारीफ मत किया कर, सुनता ही नहीं। भला आप ही बताइए, अपनों के मुंह से तारीफ अच्छी लगती है? इसमें कौन सी बुरी बात है, आप में जो गुण है वही बताते हैं। आप नहीं जानती, पहले मुझे खजूर के दरख्त पे बिठाएगा और फिर खुद जा बैठेगा नारियल के दरख्त पे। क्या करूं, दोस्ती की है, निभाए जा रहा हूं। मैंने तो सुना है कि लोगों से कहता है कि काम वो करता है और नाम बादल का होता है। उनका नाम क्या है? सूरज। नाम रख लेने से रोशन थोड़े ही हो जाएगा। और आपका नाम? बादल। सुना है आजकल मेरा नाम भी इस्तेमाल करने लगा है। तुम्हारा नाम बादल है? क्यों, कोई शक है आपको? बिल्कुल नहीं, मैं तो समझी थी कि तुम राम दुलारी हो। राम दुलारी? मन्नत का झूला है, जिसके बच्चा नहीं होता उस शाख से बांधो तो बच्चा हो जाता है, और जिसकी शादी नहीं हुई हो तो ये चुड़िया बांध देते हैं, और जिसकी बीवी पैदा नहीं हुई हो तो उसकी बीवी पैदा हो जाएगी। आ, आ। चुड़िया दीजिए। मिर्जा मुझे शादी नहीं करनी है।
मैम साहब घर में हैं? बैठिए, बुलाता हूँ। मैम साहब, वो आदमी आया है, वही कीचड़ वाला और घोड़े वाला। उनका नाम सूरज बाबू है, आइंदा उनका नाम इज्जत से लेना। चला। सूरज ने आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाने के लिए वो जमीन आपके नाम लिख दी है, ये रहे कागजात। सूद मिलाकर कर्ज पूरे 2 लाख हैं और जमीन की कीमत मुश्किल से 1 लाख होगी। उनसे कहो कि जमीन के अलावा मेरे और भी 1 लाख निकलते हैं, वो रकम मुझे दे ही अदालत में, जैसे उनकी मर्जी। हिर्स और लालच की भी एक हद होती है आरती देवी। मिस्टर बादल, हिर्स और लालच की कोई हद नहीं होती, हद होती है सब्र की। हमने 25 साल सब्र किया, अगर वही रकम हम कारोबार में लगाते तो 3-4 लाख रुपया जरूर पैदा कर लेते। यह सरासर जुल्म है। मैंने सुना था कि अमीर औरत सोने की छुरी होती है, जो कीमती भी होती है और खतरनाक भी। तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे मैंने तुम्हारा नुकसान कर दिया हो। ये तो मेरा और सूरज का मामला है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? मेम साहब, लीजिए चाय पीजिए। मैं आपके घर का पानी तक नहीं दूंगा। आप अदालत में आइए, सूरज भी आपको वही मिलेगा। अरे तुम तो खामखा नाराज हो गए। मैं तो समझती थी कि तुम मेरे और सूरज के दरमियान समझौता कराओगे। लोड खसोट करने वालों के साथ समझौता नहीं किया जाता, उनको सबक सिखाया जाता है। अदालत जाइए, जमीन से भी हाथ धोना पड़ेगा आपको। मैं अदालत क्यों जाऊं? वो समझदार आदमी है, मैं उनसे खुद मिलूंगी। कैसे मिलेंगी, आप उसे जानती भी नहीं? मैं उन्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ और उनसे मिल भी चुकी हूँ। यह झूठ, आप ना उसे जानती हैं ना मिली। हाजी साहब, क्या आप नहीं मानेंगे कि दिन को दिन कहने के लिए सूरज का दिखना जरूरी नहीं? तुम तो इतने यकीन के साथ कह रहे हो जैसे तुम खुद सूरज। हम कहते हैं मान भी जाइए। कैसे मान लूं? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं खुद सूरज हूं तो क्या आप मान लेंगे? मान लूंगी, जरूर मान लूंगी। बल्कि ये कहूंगी कि आपको ये बात उसी दिन कहनी चाहिए थी जिस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी।
अजी खाइए खाइए, जब मैं आपकी उम्र का था। मेरी उम्र का? हाँ, पिछले जन्म में। हाँ, जब मैं आपकी उम्र का था तब मैं 2 दर्जन आलू के पराठे, एक भैंस का मक्खन और एक भैंस का दूध पीता था, वो भी नाश्ते में। मुन्ना बड़ा मनमौजी है। होते हैं जी। हेलो। होते हैं जी। हेलो हेलो। हाँ है मेम साहब, दिल्ली से अनु दीदी का ट्रंक कॉल है। हेलो, किससे हंस हंस के बातें कर रही हो? है कोई नटखट? तो फिर झटपट शादी कर डालो। वरना? वरना क्या, वो वैसे नहीं है। तो फिर कैसे है? सामने बैठे हैं क्या? बाप रे। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गई। परसों यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है और तुम्हारा रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं आऊंगी। मुद्दा तो बात, जो खुशियाँ मुझे मिली है उन्हें छोड़कर मैं नहीं आऊंगी। इश्क के घोड़े को ज्यादा घास डालोगी तो मुंह फेर लेगा। थोड़ा भूखा रखो फिर देखो, चौकड़िया भरता हुआ पास आएगा। हाँ अच्छा बाबा, मैं कल आ रही हूँ। गुड नाइट। मैं कल दिल्ली लौट रही हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? लगा। वादा करो हर रात मुझसे फोन पर बात करोगे। मेरे घर पर फोन नहीं है, सिर्फ दुकान पर। तो क्या हुआ, दुकान से फोन कर लेना। ये लेबर डिपार्टमेंट वाले 8:30 बजे के बाद दुकान पर बैठने नहीं देते। घर पर फोन ले लो ना, माँ सामने रहेगी। ओ, कुछ तो करो ना। कुछ तो करना ही होगा। माँ जी मेरे और पिताजी के बारे में नाराज होंगी। अगली बार मैं जब आऊंगी माँ जी से जरूर मिलूंगी। तब तक तुम माँ जी को समझाओगे ना? क्या? यही के मैं पिताजी जैसे नहीं हूं। अच्छा बताओ तो सही, कैसे है तुम्हारी वो? अरे देखोगी तो नियत बद कर बैठोगी। मैंने जैसा सोचा था वैसा ही पाया है। उन्हें ना मेरी दौलत की तमन्ना है और ना ही मेरी आन बान की परवाह। मर्दों के मर्द है वो। हाँ अच्छा, तो हम भी सुने तुम्हारी प्रेम कहानी। अरे सुना ना क्या, किसी दिन उनसे मिला ही दूंगी। जब तक प्यार नहीं किया नहीं किया, और जब किया तो खुल कर किया, तुम्हारी तरह चोरी चोरी नहीं। मैंने प्यार नहीं पूजा की थी जो सफल नहीं हुई। अरे सुनाओ भी तुम्हारी दास्तान गम, मैं तुम्हारी पूजा सफल करा दूंगी। सुना सुना, ये लो तुम्हारी यादों की अंजुमन रोशन किए देते हैं। अरे ये क्या किया तुमने? I'm sorry, मैं माफी चाहता हूँ। मेरी साड़ी खराब कर दी और केवल कहते सॉरी। मैं दूसरी ला दूंगा, ये मैं ले लूंगा। मेरा भी यही ख्याल है, ये आप पर ज्यादा जचेगी। हाँ? कौन हो तुम? ये तो मुझे पूछना चाहिए क्योंकि आप मेरे घर आए हैं। मास्टर जी हैं अंदर? क्यों, मास्टर जी से शिकायत करोगे क्या? हाँ?
नमस्ते मास्टर जी। अरे आओ आओ सूरज बैठे बैठो। मास्टर जी हाँ? ये शालो मिठाई आपके लिए और ये 1,000 रुपया आपके स्कूल के लिए। स्कूल की बात तो ठीक है, ये मिठाई और ये शाल, ये किस खुशी में बैठे? मास्टर जी मैंने इलेक्ट्रिकल सामान की दुकान खोली है। बहुत खुशी हुई, मेरी दुआ है कि तुम खूब तरक्की करो, तुम्हारी हिम्मत तुम्हारी रहनुमाई करेगी बेटे। मास्टर जी हिम्मत का पहला सबक भी तो आप ही ने सिखाया था। नहीं बेटे, मैंने तो सिर्फ बुरा बनने नहीं दिया था तुम्हें, और क्या किया था मैंने। हर इंसान अपने दिमाग से सोचता है और अपने पैरों से चलता है। मगर मैं समझता हूँ आप मेरे पंख हैं, मेरी सबसे बड़ी ताकत। बेटे ताकत परिंदे के पंख में कहाँ होती है, उसके सीने में होती है। इंसान चांद पे गया तो उसके पंख से नहीं, उसके सीने की ताकत से। छोड़ो इन बातों को बेटी अनुराधा। अरे मैं तो तुझे चाय लाने के लिए कहने वाला था और तू चाय लेकर आ गई। मेरी बेटी है, इसके दिल्ली वाले मामा ने इसे पाल लिया था। कुछ दिनों से अन्नू की चिंता ज्यादा हो गई है, तुम्हारा कई जगह आना जाना होता है, कोई काबिल लड़का नजर आए तो इसकी शादी करा दो, यही मैं गुरु दक्षिणा समझूंगा। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, कोई अपने जैसा लड़का ढूंढ निकालूंगा। एमए पास है मगर 16 तो बर्दाश्त लगता नहीं कि एमए किया। बहुत शर्मीली है। जीते रहो। सुनिए पिताजी तो यूं ही कहते रहते हैं, आप उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। कौन सी बात पर? वही शादी वाली बात। हाँ मेरा भी यही ख्याल है कि तुम दुल्हन बनकर जचोगी नहीं। कहाँ गई थी? क्यों आपसे इजाजत लेकर जाना था क्या? जरूर, मास्टर जी ने मुझे तुम्हारा निगहबान जो बनाया है। मंदिर गई थी। चलो पीछे बैठो, तुम्हें घर छोड़ देते हैं। नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। अरे बैठ भी जाओ। आप मुझे घर ले जाने के बजाय यहाँ क्यों ले आए? इसलिए कि तुमने मना नहीं किया। अच्छा ये बताओ तुम मंदिर क्यों गई थी? आज मेरा जन्मदिन है। अरे मुबारक हो। सिर्फ मुबारकबाद, तोहफा नहीं दोगे क्या? चलो रास्ते में खरीद देते। खरीद कर नहीं तो चोरी करके देते हैं। नहीं कोई ऐसी चीज हो जो बेमोल भी हो और अनमोल भी। ये चलेगा? हाँ चलेगा। थैंक यू। केक है? केक? हाँ बर्थडे वाला मिलेगा। एक कैंडल, मोमबत्ती वो भी मिलेगा। हाँ। आपने केक क्यों मंगवाया? जन्मदिन पर केक नहीं तो क्या पकौड़े मंगवाते हैं? पिताजी आपकी बहुत तारीफ करते हैं। मास्टर जी ने बुरा किसे कहा है, वो तो हिटलर को भी अच्छा कहते हैं। तुम्हें ताजुब होगा आज मेरा भी जन्मदिन। अरे तो फिर मुबारक हो, ये तो अजीब इत्तेफाक है। आपके लिए तोहफा मुझ पर उधार रहेगा। तुम्हारे साथ ही मेरे लिए तोहफा। अच्छा मास्टर जी को छोड़कर दिल्ली में तुम अपने मामा के साथ क्यों रहती हो? मेरे पहले दो भाई बचपन में ही मर गए थे, इसलिए माँ ने डर कर मुझे मामा की गोद में दे दिया था और मैं अब तक जिंदा रह गई। तुम्हारे मामा क्या करते हैं? पिछले महीने उनका भी देहांत हो गया। मामी रोज झगड़ा करती थी कि मैंने मामा को खा लिया, इसलिए पिताजी के पास वापस आ गई। ओ। दिल मुझसे कह रहा है, मैं दिल से कह रही हूं कि
कितने जन्म से जाने पहचान है हमारी, इसीलिए तो अजनबी होकर भी वो अजनबी नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा हमेशा से मेरे थे और मैं उनकी। उनके बगैर एक एक पल ऐसे था जैसे बरसों। बेटी क्या बात है, बहुत उदास लग रही हो। कुछ नहीं पिताजी, बस यूं ही। सूरज भी नहीं आया कई दिनों से मिलने, उसके आने से मेरा दिल भी लगा रहता था। हाँ पिताजी, पता नहीं क्यों नहीं आए। Hey!
इंतजार की घड़ियां भी कितनी कठिन थी, कांटे से कटती ही नहीं थी, ऐसे साकेत जैसे पहाड़। लेकिन मुझे विश्वास था कि वो आएंगे, जरूर आएंगे, और वो आए भी। लेकिन अनु, हिम्मत रखो। हिम्मत से दो कैसे छट जाते हैं जैसे सूरज से अंधेरे। खाना लगा दो। माँ आ जाए फिर खाएंगे। मुझे पता था जब तक मैं परोसूंगी नहीं तुम खाओगी नहीं। मैं कश्मीरी लाल ठाकुर के यहाँ कीर्तन में गई थी। सब लोग तुम्हारी शादी के बारे में पूछ रहे थे। कश्मीरी लाल ठाकुर अपनी बेटी तुम्हें देना चाहते हैं। काफी जायदाद है, तुम चाहोगे तो नौकरी भी लगा देंगे या कारोबार भी। मगर माँ, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। माँ, सुना है कि उनकी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है। हमें नौकरी करानी नहीं। सुना है वो मोटी भी है। हमें नचाने भेजना नहीं। मैं ठाकुर के पैसे और जायदाद के लिए शादी नहीं करूंगा। ये पागलपन छोड़। पत्नी की जायदाद पति के बुरे दिनों का सहारा होती है। अगर मैं किसी मेरी भी जायदाद होती तो तुम्हारे पिताजी को इतने दुख नहीं उठाने पड़ते। जिंदगी मैंने देखी है, तुमने नहीं। तुम कुछ भी कह लो मां, योगी मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं। जिंदगी में मुझे अभी बहुत कुछ करना है। और क्या करना है, उस लड़की को तो घर में डाल ही रखा है। आहिस्ता बोल माँ। लोग क्या कहते हैं तुझे पता है? मुझे परवाह नहीं। मगर मुझे तो चिंता है। याद रखो, औरत के सिर्फ दो घर होते हैं, एक माँ बाप का और दूसरा पति का। तीसरे घर में वो बदनाम होती है और बदनाम करती है। तीसरे घर से औरत का कोई रिश्ता नहीं होता। एक रिश्ता रहम और हमदर्दी का भी होता है माँ। मास्टर जी ने इसकी शादी कराने की गुरु दक्षिणा मांगी थी मुझसे। कोई अच्छा लड़का मिला तो उसकी शादी करा दूंगा। तुम शादी करवाओगे या कर लोगे ये मैं नहीं जानती, लेकिन सुना है कि पैदा होते ही माँ को खा गई और फिर जवान होकर मामा को और अभी कश्मीर लौटकर बाप को खा गई। चंदन यहाँ और रही तो पता नहीं क्या। बस करिए बकवास माँ। मैं बकवास कर रही हूँ? तू मुझे डांटने वाला बन गया। माँ जी की नफरत सह सकूंगी और ना ही आपका रहम, क्योंकि मुझे रहम से भी नफरत है। कश्मीर छोड़कर जा रही हूं। भगवान के लिए मेरी तलाश न कीजिएगा। अनुराधा। अच्छा, तो तुम्हारे उनका नाम भी सूरज है? अजीब इत्तेफाक है। अन्नु, इस बार तुम भी मेरे साथ कश्मीर चलना, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या करती हूँ। मगर मैं उन्हें रहम से नहीं
प्यार से जीतना चाहती हूँ। मेरी मोहब्बत सच्ची है तो वो जरूर मुझे ढूंढ निकालेंगे। हेलो हेलो, तुम कब आ रहे हो? परसों। परसों आ गए क्या? नहीं, ये तो खुशी की बात है। अच्छा भाई, परसों मिलते हैं। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। अन्नू, गजब हो गया, सूरज परसों दिल्ली आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। अन्नू, लगता है मुझे बुखार चल रहा है, वही रूमेटिक फीवर। हड्डियों में दर्द फैल जाएगा और ठीक होते होते 3-4 दिन लग जाएंगे। तुम मेरे लिए काम करो। हाँ कहो। मैं बीमारी के हालत में उनके सामने जाकर उन्हें उदास नहीं करना चाहती। मैं 3-4 दिन के लिए नर्सिंग होम में दाखिल हो जाऊंगी। तुम कोई बहाना बनाकर उनकी मेहमान नवाजी करना। आप? तुम यहाँ? आरती बहुत जरूरी काम के लिए कानपुर गई है। जानती हो अनु, तुम्हारा पता लगाने के लिए मैंने अखबारों में इश्तेहार छपवाए थे। मैंने पढ़ा था। तुम्हारा इस तरह चले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं माफी चाहती हूँ। लगता है तुमने अभी तक शादी नहीं की। अनु, मेरा मकसद तुम्हें रुलाने का नहीं था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या तुम किसी लड़के को चाहती हो। बस किसी को चाहा था। क्या वो भी चाहता तुम्हें? मालूम नहीं। Excuse me. हेलो, वो आ गए क्या? हाँ। कैसे लगे? बहुत दिलचस्प। ए, कहीं तुम दिलचस्पी ना लेना। उनके जाने के बाद फोन करना। अच्छा एक बात तो बताओ अनु, तुम आरती को कब से जानती हो? मेरे मामा आरती के कारखाने में काम करते थे। बचपन से इस घर में आती जाती थी, दोस्ती हो गई। आरती मुझसे उम्र में बड़ी है। मैं जानता हूँ। आरती को आप ये मत बताइए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। क्यों? वो बहुत शक्की है। इसमें शक करने वाली कौन सी बात है? आप नहीं जानते। हेलो, चले गए क्या? नहीं। अरे सफर से आए हैं, थक गए होंगे, उन्हें जाने भी दो। और सुनो, उनके लिए खाना होटल भेज देना। आरती 3-4 दिन में वापस आ जाएंगी, आप तब तक रहेंगे ना? शायद और भी दिन लग जाएं। आरती ने कहा है कि उसके आने तक मैं आपका साथ दूं। आने तक का क्या मतलब? तुम तो हमेशा मेरे साथ हो। तुम अनु हो? चलो आज तुम्हें मिलिट्री क्लब ले चलते हैं, एक दोस्त ने बुलाया। मेम साहब ने आपको फोन करने को कहा है। बंसी ने कहा कि तुमने मुझे याद किया। मैंने तुम्हें 3 बार फोन किया था, कहाँ गई थी तुम? मैं तो अभी आ रही हूँ।
तुम ऑफिस में भी नहीं थी। मैं शॉपिंग करने गई थी। अन्नू तुम झूठ बोल सकती हो मगर मैं झूठ सुन नहीं सकती। मैं जानती हूँ तुम कहाँ गई थी। सूरज ने मुझे खुद बुलाया था। तुमने कहा होता कि तुम्हें काम है। मैंने सोचा अगर ना गई तो तुम नाराज हो जाओगी इसलिए चली गई। नाराज तो मैं अब हूँ। तुम्हें उतना ही काम करना चाहिए जितना तुम्हें कहा गया है। मैं तुम्हारी सहेली के नाते चली गई थी। लेकिन हमने तुम्हें सेक्रेटरी के नाते सूरज की मेहमान नवाजी करने के लिए कहा था। शायद मैं अपनी सीमा से आगे निकल गई थी। मैं अपनी जिम्मेदारी का आगे ख्याल रखूंगी। कोई जरूरत नहीं। तुम सूरज से कह दो मैं यह नर्सिंग होम में हूँ। हेलो अनु, क्या कर रही हो? मैं तुम्हें वो कारखाना दिखाना चाहता हूँ जो मैं खरीदने वाला हूँ। नहीं, मैं एक जरूरी काम कर रही हूँ। बहुत जरूरी है क्या? हाँ, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। आरती गोयल नर्सिंग होम में है। क्यों, कब से? मालूम नहीं। मैडम, डॉक्टर गोयल ने कहा है आपको कल डिस्चार्ज किया जाएगा मगर आप तो आज ही जाने की तैयारी कर रही हैं। जाऊंगी कल ही लेकिन आज वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। उनसे मिलने के लिए आपको सवरना पड़ता है क्या? तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नहीं। तो तुम नहीं जानोगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम तो अच्छी वाली लग रही हो। यहाँ कैसे आ गई? यूं थोड़ा सा बुखार हो गया था। मैं तो डर गया था। क्यों? इसलिए कि तुमसे थोड़ा सा प्यार हो गया। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं। अनु ने तुम्हारी कमी पूरी कर दी। कल तुम मुझे सैर कराने ले जाओगे ना? यस योर ऑनर। वादा? वादा।
किताबों में भी न मिलेगी, किताबों में भी न मिलेगी। गाड़ी चलाते वक्त और महबूबा से बातें करते वक्त सिगरेट पीना मना है। तुम्हारा काम हो गया? अगर बैंक वाले गारंटी ज्यादा मांगेंगे तो नहीं दे सकते। अब तुम मेरे कारखाने संभाल लो और मुझे आराम करने दो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो औरत का पल्लू पकड़कर कामयाब कहलाते हैं। तुम तो माउंट एवरेस्ट पे बैठो। अरे सीधे बैठो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हो जाने दो, तुम्हारी गोद में बनने का सौभाग्य तो मिल जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। आरती मुझे लोन मिल गया है और मैंने टीवी का कारखाना खरीद लिया है। तो फिर डिनर कब दोगे? आज रात तुम्हारे घर चंद खास मेहमान लेकर आ रहा हूँ, इंतजाम कर सकोगी ना? मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। तो फिर हमें आपके हाथ चाटने पड़ेंगे। लीजिए। तुमने बहुत अच्छा किया, नौकरी छोड़कर धंधा शुरू कर दिया। इनको देखो, पूरे लकीर के फकीर हैं, सारी दुनिया को पैसा बांटते हैं मगर खुद फकीर हैं। घर से रस्सी पकड़ के बैंक जाते हैं और रस्सी पकड़ के सीधे घर लौटते हैं। आपने हाथ मार दिया। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, आपने हाथ मार दिया। सूरज बाबू भी चले गए क्या? नहीं, बाहर उस टटर से बातें कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन बहुत खूबसूरत है और होशियार भी। हम उसकी शादी करना चाहते हैं मगर वो पढ़ना चाहती है। हम कौन होते हैं उसे पढ़ाने वाले, उसके होने वाले पति की मर्जी। ठीक है ना? जी ठीक है। मैं आपको उससे मिलाऊंगी, कल शाम चाय पर आइएगा, लेकिन ना नहीं कहिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। नमस्ते। 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 आप भी जाइए, दावत खत्म हो चुकी है। मैं क्यों जाऊं? सब मेहमान चले गए, आप भी तो मेहमान हैं। बात क्या है आरती? शर्म नहीं आई तुम्हें उस गंदी औरत के साथ बैठते हुए? बैठा कौन था, मैं तो फंस गया था। उससे हाथ मिलाने की जरूरत क्या थी, बहुत अच्छा लग रहा था ना तुम्हें? अरे तुम समझती क्यों नहीं, वो खुद मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। हाँ हाँ, कल शाम को उसके घर जाओ, चाय पियो, डिनर खाओ, उसकी बहन से मिलकर आओ,
अपने आप को मोस्ट एलिजिबल बैचलर समझते हो ना? चाहता कौन है? टालने के लिए मैंने हाँ कहा था। तो फिर ना क्यों नहीं कहा? अब कह देता ना तुमसे कि नहीं 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 जाऊंगा। मेरे लिए पैदा किए गए हो, तुम्हें कोई और औरत छूती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम शक करना छोड़ दो, शक दीमक की तरह इंसान को खोखला बना देता है। को दौड़ता होगा, पिताजी ने बनाया है। मैं जानती हूँ, इतना बड़ा घर बसाने के लिए तो तुम्हें पूरे 9 बच्चे चाहिए। 9 नहीं माँ जी, पूरे 10 और बस। अरे बहू। अरे सुकु, तू तो वैसी को वैसी है रे। छोड़ भी सुकु, अब बहू देखने की उम्र आ गई और तू मुझे ही बहू बना रही है। ले छे, कश्मीर से लाई हूँ तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ। अब तो मैं 3 पाव वाली हो गई है। चल चल बैठ। मुझे दो। तूने तो कश्मीर न छोड़ने की कसम खा ली है क्या? क्या करूं? सूरज अपने कारखाने की मशीन मेरे हाथों से चालू करवाना चाहता था, इसलिए आ गई। मैंने तो कहा था यार, इतने बड़े बड़े नेता रहते हैं, उनसे करवा ले, लेकिन मानता कहाँ है, अपनी कर दिखाता है। अच्छा बंसी जी, एक बादल गाड़ी लेकर आ गया क्या? जी माँ जी, बादल भैया आ गए। अच्छा ये क्या, अभी अभी आई और अभी जा रही है? गाड़ी का वक्त हो रहा है, हवाई जहाज से तुम्हें वो जाए जिन्हें जीना नहीं, मुझे तो डर लगता है। माँ जी अब फिर कब आएंगी? अब तो तेरी शादी पर ही आऊंगी। बादल भैया शरबत? ओ नहीं। मिरर आरती। यस यस यस, हमारे नए टीवी मॉडल का नाम है मिरर आरती। यस ऑफ कोर्स, उसे ही हम ट्रेड फेयर में भेज रहे हैं। यस वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू। तुम मनु हो? आरती ने भेजा होगा। अरे तुम क्यों, तुम्हें ताज्जुब हुआ? अगर तुम्हारे आने का पता होता तो गेट से यहाँ तक फूल बिछा देता। और फूल के साथ कांटे भी। मैं अन्नू को कांटा समझती हूँ। तुम कभी उसका नाम मेरे नाम के साथ मत लेना, मुझे उसका जिक्र बार बार अच्छा नहीं लगता। अब इसमें अन्नू का क्या कसूर है? गलती से मैंने उसका नाम ले लिया था। तुम्हें बातें बनाना खूब आता है, निभाना नहीं। हर बार इतवार का बहाना बनाकर टालते रहे हो, पर आज जब इतवार आया तो घर में बैठकर बिजनेस कर रहे हो। काम करूंगा तो तुम्हारे बराबर हो सकूंगा, तुम्हारे बराबर हो सकूंगा तो तुमसे शादी कर सकूंगा। झूठे कहेंगे। चलो चलते। ये हमारा डाक बंगला है, मैं बचपन से ही आत गई हूँ, लेकिन आज की फिजा कुछ और है, आज की रंगीनियाँ कुछ और है, हर चीज खूबसूरत दिखाई दे रही है। क्यों? आज तुम जो मेरे साथ हो। देखो कितने खूबसूरत फूल हैं। होंगे। जिन्हें फूल पसंद नहीं उन्हें खूबसूरती की परख नहीं। हमें इस चमन का एक ही फूल पसंद है। कौन सा? ये। hey!
अरे आप यहाँ? कमें आओ, कहाँ गई थी? एक सहेली ने बुलाया था मगर घर पे नहीं थी। सिली गर्ल। क्यों? इसलिए कि जिस तरह दिल्ली को दिल्ली कहते हैं उसी तरह सहेली को सिली कहते हैं। अनु, दफ्तर में पुकार कर हंसना अच्छा नहीं लगता। इसमें अनु का क्या कसूर है? मैंने ही से हंसा। तुम लोगों को हंसा भी सकते हो, रुला भी सकते हो। हम डायरेक्ट माल सप्लाई नहीं करते, आप हमारे डीलर से बात कीजिए। हैं? सूरज को क्या मालूम, सारा बिजनेस तो मैं ही संभालता हूं। हाँ भाई दीपक, आज रात को 2 पैक ज्यादा पीने पड़ेंगे। काम मैं करता हूं, नाम सूरज का होता है। क्या करूं, दोस्ती की है निभाया जा रहा हूं। अबे बुद्धू, किसी रोज सूरज को तेरे इस स्टाइल का पता चल जाएगा ना तो तुझे बादल से बरखा बना देगा। तुम्हें भी मालूम हो गया क्या? बादशाहो, असी दोनों को छड़ के पूरी दिल्ली जानती है। इसका मतलब है कि दिल्ली में बिल्ली आंख बंद करके दूध नहीं पी सकती। ठीक है, चलो अंगूर का रस पीते हैं आंख खोल के। ये बात हुई ना। मैंने आज फैसला कर लेता है। की फैसला किया? मैं ताज महल खरीदूंगा। वो नहीं सकता। मैं ताज महल खरीदूंगा। वो नहीं सकता। मैं ताज महल खरीदूंगा। वो नहीं सकता। कहीं नहीं हो सकता। मैं बेचैन गई नहीं। मैं बेचैन गई नहीं। मेम साहब, ये देखिए, सूरजमुखी की कली आ गई है। देख, तू इसकी देखभाल करना। जी। मैं ये फूल सूरज बाबू को तोहफा दूंगी, मेरी और उनकी सालगिरह पर। चल। जन्मदिन मुबारक हो आरती जी। थैंक यू। ऐसे दिन बेशुमार आए तुम्हारी जिंदगी। सिर्फ मेरे नहीं, हमारी जिंदगी के। भूल की माफी चाहता है बंदा। आइंदा ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए, समझे? मैं अभी आई। हो सकता है। जन्मदिन तुम्हें भी मुबारक। शुक्रिया। लाओ। यही मेरा तोहफा है आपके जन्मदिन पर। प्यारा है, तुमने प्यार से पाला होगा। हम सीना सही, गैरों से सही।
खुश हूँ किसी की किस्मत में, ये वक्त सुहाना तो गया, दुनिया में किसी के हाथ हो गए, तुम्हें प्यार निभाना तो गया, हमसे ना सही वरसे सही, की फ्लाइट से कश्मीर जा रही हूँ। मगर तुम्हारा तो कोई प्रोग्राम नहीं था। सरप्राइज विजिट पर जा रही हूँ। कब तक वापस आओगी? शायद देर लग जाए। वहां मैं तुम्हारी प्रेमी से मिलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी शादी से पहले तुम्हारी शादी करा दूँ। मुझे उनका पता बता दो। पता? पता नहीं अब वो वहां है भी या नहीं। मैं पता करूंगी। अनु तुम जाओ। विश यू हैप्पी लैंडिंग। थैंक यू। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-425 से श्रीनगर जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि वे सुरक्षा जांच करवाएं। मिम साहब आप कश्मीर नहीं गई? नहीं। अन्नू कहाँ है? वो बाहर से आई और कपड़े बदल कर चली गई। बेटी तू बहुत परेशान नजर आ रही है, क्या बात है? आ? कुछ नहीं मौसी। बंसी जी अन्नू आया तो मुझसे मिलने के लिए कहना। जी मिम साहब। Bye. कहाँ गई थी? मैं बताना जरूरी नहीं समझती। लेकिन मैं जानना जरूरी समझती हूँ। किसके साथ गई थी? सूरज के साथ। क्या सूरज वही है जिसे तुम प्यार करती हो?
हाँ वही, मगर मैं प्यार नहीं उनकी पूजा करती हूँ। मैं जानती हूँ, पसंद बिना प्यार नहीं होता और प्यार बिना पूजा नहीं होती। तुमने मुझसे छुपाया क्यों, क्यों झूठ बोला? इसलिए कि मैं तुमसे मुकाबला नहीं करना चाहती, इसलिए कि मुझे हार पसंद नहीं, इसलिए कि तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतना घमंड है तुम्हें अपने प्यार पर? हाँ, मेरी पूजा में इतनी शक्ति है कि आज भी अगर मैं सूरज का हाथ मांगू तो वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचेंगे। एहसान फरामोश, हमने क्या क्या एहसान नहीं किया है तुझ पर। अगर इस घर का आसरा और सहारा ना होता तो तेरी जिंदगी गलत शब्द बनकर रह जाती। और कुछ कहना है तुम्हें? हाँ, बहुत कुछ कहना है। तूने आस्तीन का सांप बनकर मेरे प्यार को डसा है। मैंने तुम्हारे प्यार को डसा नहीं, तुमने मेरे हक को छीना है। मैंने तुमसे बहुत पहले सूरज से प्यार किया जबकि तुमने सूरज को देखा तक नहीं था। तुम्हारे प्यार से पहले सूरज का मेरा पैदाइशी संबंध है। मगर तुम्हारा संबंध तो उसी वक्त टूट चुका था जिस वक्त तुम्हारे बाप ने सूरज के बाप को अपने बराबर नहीं समझा था। उसी वक्त टूट चुका था जिस वक्त तुम्हारे बाप ने दोस्ती को रुसवा किया था। अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते तोड़ना जोड़ना इस आसमान महल का दस्तूर है। तू हम पर इल्जाम लगाती है? प्यार की अदा भी निराली होती है, जितना स्वार्थ होता है उतना सच्चा भी। मेरे प्यार में स्वार्थ नहीं था इसलिए मैं सूरज को पा न सकी। अगर मैं सूरज से मिलती थी तो सिर्फ इसलिए कि चंद घड़ियां खुशी और शांति की मिलती थी। लो, मैं तुम्हारी अमानत छोड़े जा रही हूं। उन्होंने ये साड़ी दी है। मुझे किसी से मिलना नहीं, उनसे कहो यह मत आए, मुझे नहीं चाहिए साड़ी बाड़ी। आरती, चले जाओ यहां से। ठीक है, चला जाता हूं। लेकिन अनु को तुमने क्यों निकाला? मैंने तुम्हारी मर्जी से नहीं रखा था, जो तुम्हारी इजाजत लेती। असद शक में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत है, मेरी राय और रहनुमाई की जरूरत है। क्यों है? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं, तुमसे प्यार करता हूं। आरती, ना तुम सच्चे हो और ना तुम्हारा प्यार सच्चा है। तुम तो उस सूरज की तरह हो जो एक दुनिया में अंधेरा फैलाकर दूसरी दुनिया में उजाला कर देता है। बस करो, शक करने वाले प्यार के काबिल नहीं होते। तुम्हारा प्यार कौन सा सच्चा है? तुम्हारा प्यार भी तो उस चांद की तरह है जो बढ़ता और घटता रहता है। हाँ हाँ, जाओ उसे शादी कर लो, जिसका प्यार पत्थर की तरह ना घटता है ना बढ़ता है। मुझे सारे मर्दों से नफरत हो गई है, मैं तुम्हारी सूरत पर देखना नहीं चाहती।
हेलो आरती, मैं सूरज बोल रहा हूं। हेलो आरती, सुनो तो सर। हाँ हाँ जाओ, उनसे शादी कर लो, जिसका पैर पत्थर की तरह ना घटता है ना बढ़ता है। मुझे सारे मर्दों से नफरत हो गई है मेम साहब। मुझे सारे मर्दों से नफरत हो गई है। मुझे सारे मर्दों से नफरत हो गई है मेम साहब। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुम जाओ और कल से पेपर मत लाना। तुझे कल ड्राइवर को निकाल दिया, आज अखबार वाले को, लोग सुनेंगे तुझे पागल समझेंगे। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ। जरा पकड़िए नर्स, तुम पकड़ो। डॉक्टर कहता है कि हॉस्पिटल में अच्छा इलाज हो सकता है। मैं जब जीना नहीं चाहती तो अस्पताल क्यों जाऊं? आप मेरी क्लिनिक में जाना नहीं चाहती तो अपने घर पर ही रहिए। डॉक्टर मैं यहीं रहूंगी और यहीं मरूंगी। नर्स जी तुम मेरे साथ आओ। आरती जी, मैंने सुना था कि मोहब्बत इंसान को अंधा और बहरा बना देती है, इसीलिए एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की ना बुराई देख सकता है ना सुन सकता है। या तो ये बात गलत है या आपका प्यार सच्चा नहीं। हाँ मेरा प्यार ही सच्चा नहीं है। अगर आपका प्यार सच्चा नहीं तो क्या हवा के झोंकों से पौधों का झूमना झूठ है? क्या दिन का निकलना झूठ है? क्या बादलों का गरजना झूठ है? बारिश का बरसना झूठ है? क्या आपके होठों पे वो शर्मीली मुस्कान जो मैंने पहली बार देखी थी झूठ थी? क्या आपके चेहरे पे उदासी झूठ है? क्या ये बीमारी झूठ है? यही बात तुम अपने दोस्त से पूछो, सच क्या है? क्या दो दो लड़कियों से प्यार जताना सच है? क्या अन्य सूरज का जानकर अनजान दिखलाना सच है? क्या अनु से चुप चुप कर मिलना सच है? आरती जी सच तो यह है कि वो अनु के पिता की बेहद इज्जत करता था, इसलिए वो अनु की मदद करना चाहता था। अगर उसका इरादा अनु से शादी करने का होता तो अनु कश्मीर छोड़कर दिल्ली ना आती, ना दिल्ली छोड़कर कश्मीर जाती, ना वो काम छोड़कर घर पे बैठता, ना खाना छोड़कर सिगरेट फूंकता। मैं तो सिर्फ यही चाहूंगा कि आप उसे एक बार मिलने का मौका दें, कहने का मौका दें।
मगर दोस्त मेरे, ये हिंदुस्तान है, इंग्लिस्तान नहीं। तू समझता क्यों नहीं? तेरे अन्नू के साथ ताल्लुकात कुछ भी हो, अगर मैं आरती होती, मेरा मतलब होता, तो मैं भी तुझ पे शक करता। उसने शक ही नहीं, मुझसे नफरत भी की है। अरे मेरे भाई, वो नफरत नहीं, गुस्सा था। और गुस्सा तो बिजली की तरह चमकता है और खत्म हो जाता है। और अगर प्यार गुस्से की भेंट चढ़ जाए तो वो प्यार नहीं, व्यापार होता है। अच्छा तो ये बता, तुझे आरती से प्यार है कि नहीं? था, अब नहीं है। तो फिर काम छोड़कर क्यों बैठा है? पूरा देवदास लग रहा है। सिर्फ फर्क है तो इतना कि वो शराब पीता था और तू सिगरेट। आदिल, तू जा, तंग न कर। मैं तंग ही नहीं, जंग करने आया हूं। मैंने कई प्रेम कथाओं में पढ़ा है कि दो प्रेमी एक दूसरे के लिए अपनी जान दे देते हैं, और यहां तो तुम एक दूसरे की जान लेने बैठे हो। यह अहिंसा का पाठ जाकर आरती को दे, तब तुझे पता चलेगा कि मैं उसकी जान ले रहा हूं या वो खुद आत्महत्या कर रही है। मैं उससे मिल चुका हूं मिस्टर गुस्सा। अगर उसके दिल में तेरे लिए प्यार ना होता ना, तो वो लाजवाब ना होती, आंसू ना बहाती। मेरी बात मान, बीमारी दिलों को साफ करने का अच्छा बहाना होती। इनको रूमेटिक फीवर की शिकायत है, ऐसे मरीज दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये शिकायत इनके दिल पर असर कर गई है। डॉक्टर क्यों ना हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं? ये किसी की सुनती कहाँ है? ईसीजी, एक्सरे और कार्डियोग्राफ के बगैर इलाज करना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। इन्हें समझाइए। इधर आओ। तुम अनु से शादी कर लो। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, हमदर्दी नहीं। और अनु से हमदर्दी की है, मोहब्बत नहीं। हमदर्दी मोहब्बत की परछाई तो होती है। एक बार अनु ने कहा था, अगर हमारा प्यार इत्तेफाक से एक ही मर्द से हो जाए तो वो मुझे जीतने नहीं देगी। मैं अपनी हार मानती हूँ। अनु ही तुम्हारी हकदार है। कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी ना? नर्स जी, वो देखो सूरजमुखी का फूल कितना खूबसूरत लगता है। एक दिन सूरज ने कहा था कि मैं इस चमन का वो फूल हूं जो उन्हें पसंद है। बिल्कुल सच कहा था। मेरी जिंदगी भी इस फूल की तरह है जो खिल तो गया लेकिन किसी की खुशी ना बन सका। कल सुबह तक ये भी मुरझा जाएगा और मैं भी। आरती, आरती, अगर मेरे प्यार में शक्ति है तो ना ये फूल मुरझाएगा और ना तुम्हें कुछ होगा। आरजुएं अक्सर पूरी नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं एक्सरे के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। प्लीज आप ये चेन उतार दीजिए। Thank you.
एक्सरे रिपोर्ट बताती है कि रोमेटिक फीवर का मर्ज अब आरती जी के दिल तक पहुंच चुका है, इसलिए इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी ना सकूंगा। ये क्या हालत बना रखी है आपने? बादल कह रहा था तुमने कारखाना जाना छोड़ दिया है। मैंने तुम्हें पाने के लिए कारखाना बनाया, रुपए कमाए, तुम नहीं मिलोगे तो मैं सभी मिटा दूंगा। खुशी ना बन सका, कल सुबह तक ये भी मुरझा जाएगा और मैं भी। ऐसे दिन बेशुमार आए तुम्हारी जिंदगी, सिर्फ मेरी नहीं हमारी जिंदगी के। भूल की माफी चाहता है बंदा, आइंदा ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए, समझे? कैसी खुशबू है जो फैल रही है, ये कैसा उजाला है जो बढ़ता ही जा रहा है, हजार सूरज की रोशनी से भी ज्यादा लगता है भगवान खुद मुझे लेने आ रहे हैं। मैं खुश हूं कि तुम मेरी आंखों के सामने हो, यही मेरा सौभाग्य है। तुम्हारी चाहत और मोहब्बत का वास्ता देकर तुमसे भीख मांगती हूं कि तुम अनु से शादी कर लो। अनु प्यारी तो थी, बहादुर भी है, वो तुम्हारी पूजा करती है और पूजा मोहब्बत की पवित्रता होती है। मौसी और बंसी का ख्याल रखना, मेरी आधी जायदाद अनु की है और आधी जायदाद से माँ के नाम अस्पताल खोलना, जिसको पैसे की कमी ने मार डाला और मुझे पैसे की ज्यादती ने। तुम्हारी आरती। अनु, क्या बात है अनु, अंधेरे में क्यों बैठी हो? हो
हमसे ना सही